अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग सब आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो ये व्लॉग जो है ना थोड़े दिन पहले का है मैंने सोचा अब आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ आप लोग को पता है कि आजकल जो हालात हैं दिल कहीं भी नहीं लग रहा तो मैंने सोचा नहीं अपने काम में तो सीरियस हो जाती हूँ मैं यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं मेरी थोड़ी थोड़ी लेट आ रही हैं लेकिन इनशाला मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग्स अपलोड करूँ आप लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की हुई है मुझसे कि मैं इन चीज़ों पर ब्लॉगिंग करूँ तो मैं आप लोग के साथ सब शेयर करूँगी इन शाला अच्छा ये जो है ना मैं बहुत अर्से के बाद क्योंकि वी हैव बिन सो बिज़ी हम लोग इतने बिज़ी चल रहे थे कि हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था मैं बहुत अर्से बाद अपने देवरानी के घर जा रही हूँ मैंने पहले आप लोग के साथ बहुत दफ़ा शेयर किया हुआ है उसका घर और जो वो लाइक दावतें करती है हमारे लिए लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट ये था कि माशाल्लाह से उन्होंने घर चेंज किया है और डिफरेंट घर लिया है तो इतनी बिजी चल रही थी मैं लेकिन मैंने सोचा बहुत हो गया अब जाके जल्दी से मिल के आती हूँ मैं और ये जो है ना आजकल मैं नार्स की लिप शेड यूज़ कर रही हूँ मुझे इतनी नाइस सी लग रही है इतनी न्यूड इतनी नाइस है बहुत नेचुरल लुक देती है तो आप लोग को पता है मेरी जो लिप शेड्स होते हैं हमेशा बहुत नेचुरल होते हैं मैं बहुत लाउड बिल्कुल भी नहीं लगाती अच्छा यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी देवरानी के घर एंड माशाल्लाह माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं एक बिल्कुल डिफरेंट घर है क्योंकि उसने घर चेंज कर लिया है और बहुत अच्छा घर था सेकेंडली घर ये सब तो ठीक है लेकिन जो साथ होता है ना वो बहुत मैटर करता है अच्छा वो जो कुछ लोग होते हैं ना कि उनसे हम लोग जितने महीनों बाद भी मिलें सालों बाद मिलें लेकिन जब मिलते हैं तो एक जो वो वाइब्स होती हैं वो जो एक फ़ील होती है ना वो बहुत मैटर करती है और अभी जो मेरी देवरानी है ना उसके साथ यही है हम लोग जितने टाइम के बाद भी मिले ना जब भी मिलते हैं माशाल्लाह से इतना अच्छा लगता है और मेरा तो दिल ही नहीं चाहता उसके पास से मूव होने का कंटिन्यूसली मैं यहाँ पर खड़ी भी थी अच्छा सारे खाने वगैरह सब कुछ बने हुए थे तो कोई हेल्प करने की जरूरत ही नहीं थी बस हमने टेबल लगा दी थी टेबल मींस दस ये देखें, बहुत अच्छे से है तमाम हुआ था मेरी देवरानी ने प्लाव राइस बनाए थे बटर चिकन बनाई थी और ये कीमा आलू बनाए थे जो कि बहुत मजे के थे मैंने सिर्फ टेस्ट किए थे और ये चना पूरी बनाई थी सब्जी बनाई थी सब्जी में जो है वो कजैट्स बनाए थे अच्छा ये जो कजैत्स होते हैं ना ये जो पाकिस्तान में तुरई होती है ना ये उसकी फैमिली के हैं लेकिन यहाँ पर मैंने आज तक वो वाली तुरई नहीं खाई जो हम लोग पाकिस्तान में खाया करते थे तुरई गोश्त बनता था मम्मी के घर पे और वो दही के साथ इतने मज़े का लगता था रोटी तुरई गोश्त और दही इन अब पाकिस्तान जाऊँगी तो खाऊँगी तो यहाँ पर मज़ेदार सा खाना हमने खा लिया था और खाना इतने मज़े का था स्पेशली कभी ऐसा होता है ना कि जब आप अपने हाथ का खाना खा करके तो इंसान थक ही जाता है वो टेस्ट बिल्कुल आ, सिमिलर लगने लगता है कोई इतना डिफरेंस नहीं लगता लेकिन कहीं और जाते हैं आप खाते हैं किसी और के हाथ का तो खाना बहुत अच्छा लगता है और वाकई में बहुत अच्छा खाना था और जो मेरी देवरानी की बटर चिकन है ना वो तो मेरी फेवरेट होती है तो मैंने तो वही खाई बस और गर्म गर्म पूरियाँ थी यहाँ पर बस मैं अपने लिए ग्रीन टी बना रही थी ग्रीन टी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आप लोग को पता है मैंने बहुत टाइम से आप लोग को अपडेट नहीं किया है तो मैंने तो बिल्कुल ही शुगर इनटेक ख़त्म कर दी है अपनी लाइफ से मैं बिल्कुल भी शुगर नहीं ले रही और मैंने काफ़ भी बहुत कम कर दिए हैं मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है कि शुगर जो हो मैं वैसे भी आ, लेती हूँ प्लान बेस्ड जो अपनी चाय में डालती हूँ ले और सीरियल में थोड़ी सी डालती हूँ लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं ना स्वीट मिठाई ये बिस्किट्स ये मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिए मुझे तो वैसे ही शौक़ नहीं था लेकिन मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया सेकेंडली काव्स भी मैंने बहुत कम कर दिया तो बस आ, ये आ, कोशिश है एक होती है ना कि आप हेल्दी लाइफ गुजारें बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली हम माओ के लिए हम लोगों के लिए स्पेशली जो ख़ुद सब कुछ करना होता है जिनको और मैं तो ये बात करी हूँ स्पेशली हमारे लिए मुझे लगता है एक एक इंसान के लिए एक एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपना ख्याल रखना तो खैर यहाँ पर हम लोग चाय वग़ैरह आराम से सुकून से बैठ के हमने पी ली थी उसके बाद हम लोग आ गए थे शाम में बाहर और यहाँ पर जो है ना बहुत ही डिफरेंट लग रहा था बहुत अच्छा लग रहा था बिल्कुल पाकिस्तान जैसी वाइब्स आ रही थी मैं बिल्कुल जो ना बहुत अरसे बाद ऐसा फ़ील हुआ था कि मुझे बिल्कुल जाने का ही दिल नहीं चाह रहा था यहाँ से इतना अच्छा लग रहा था तो मैं तो फ्लैट में रहती हूँ तो मेरा तो कोई गार्डन है नहीं हाँ मेरी रूफ़ टॉप है लेकिन रूफ टॉप पर जाना ना बहुत कम होता है बहुत ज़्यादा कम आप लोगों ने देखा मतलब मेरी रूफ टॉप देखी हुई आप लोगों ने लेकिन जाना बहुत कम होता है वो वाइब्स नहीं आती वे वो फील ही नहीं आती है जो गार्डन में आती है तो माशाल्लाह आज बहुत मज़ा आया और ये डिशुम की जो बुक है ये देख के तो मुझे बहुत ही खुशी हुई इसमें इतनी सारी रेसिपीज़ थी तो यहाँ हम लोग घर जा रहे थे और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिन गुज़रा ऐसा लग रहा था कि मैं फ्रेश हो गई एकदम से ना मतलब एक आपको चेंज चाहिए होता है ना क्योंकि बहुत अरसे से मैं कहीं गई भी नहीं थी इनफैक्ट अभी जो बच्चियों की छुट्टियां थी ना तो मैं अपनी बहन के भी नहीं गई थी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा तो ये थी अब नेक्स्ट सुबह अच्छा मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ कि जो आ, ये यॉर्कशायर गोल्ड है ना अब मैंने ये भी अमेजन से सेव एंड सब्सक्राइब में परचेज करना स्टार्ट कर दिया है मैंने इसकी सब्सक्रिप्शन लगवा दी है और ये जो है ना बहुत रिज रीजनेबल प्राइस में मुझे मिली है ये आ, एक जो होती है वो अराउंड फोर पाउंडस की है लेकिन फोर पाउंड समथिंग की भी मिलती है इनफैक्ट मैंने तो वेट रोज़ में एक बॉक्स सिक्स पाउंडस का भी देखा था उकाडो में या वेट रोज में समथिंग लाइक दैट तो खैर मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी प्राइस में मिला ये मुझे आई थिंक फाइव मिले हैं फॉर ट्वेल्व पाउंड्स विच इज़ रियली गुड तो बस यहाँ पर आ, मैंने अब सुबह जा रही थी क्योंकि मुझे आस्ता जाना था और मुझे ना आस्ता में अमीलिया के लिए कुछ स्लीप सूट्स चाहिए थे वैसे तो मैं नेक्स्ट से लेती हूँ लेकिन मुझे आस्ता में एक ना डोनट्स का प्रिंट बहुत अच्छा लगा था और अमीलिया को इस तरह के प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने सोचा कि मैं जाकर देख लेती हूँ तो आ, मैं यहाँ पर गई हूँ ना आज तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो इतनी बारिश हो रही थी वेदर कंडीशंस आज बहुत ज़्यादा ख़राब थी यहाँ लंडन में तो इतनी बारिशें हो रही हैं वेदर का कुछ समझ में ही नहीं आता इनफैक्ट जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उनकी स्पेशली सैरा के बैग में सब कुछ होता है अम्ब्रेला भी होती है रेनकोट भी होता है सब कुछ होता है फॉर प्रिकॉशंस के कहीं कभी भी बारिश हो सकती है तो बस यही है एनी anyway, मैं यहाँ पर आई थी एजडा तो मैं यहाँ पर आके इतनी डिसअपॉइंट हुई हूँ ना वैसे तो बच्चों का सेक्शन बहुत अच्छे से सेट हुआ हुआ था सब कुछ हुआ हुआ था लेकिन जब मैं आ, स्लीप सूट्स के सेक्शन में गई थी तो ओ माई गॉड इतना मैस हुआ हुआ था ना मैं एजडा इतना नहीं आती क्योंकि पर्सनली मुझे आजडा के कपड़े जो है ना इतने ज़्यादा फैंसी नहीं करते मुझे अट्रैक्ट ही नहीं करते आजडा के कपड़े तो मैं आजडा से कोई बच्चों के कपड़े कभी भी नहीं लेती आप लोग ने देखा होगा मैंने कभी एक दो दफ़ा लिया होगा तो लिया होगा लेकिन मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने सच लिए हूँ लेकिन स्लीप सूट्स मैं अक्सर सैरा के तो ले लेती थी अमीलिया के लिए मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी एंड बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे इतना मैसी हुआ हुआ था कि जो स्लीप सूट्स है ना वो ज़मीन पर भी पड़े हुए थे तो मुझे तो बहुत ही अजीब लगा मैंने कहा यहाँ से तो मैंने नहीं लेना फिर मैं यहाँ पर आ गई थी होम सेक्शन इनका होम सेक्शन बहुत बड़ा था और कहीं भी जाओ किसी भी सुपर मार्ट जाओ होम सेक्शन नहीं जाओ तो ऐसा तो नहीं हो सकता घर की चीज़ें हम औरतों को तो बहुत ही फैंसी करती हैं अगर हमें कुछ नहीं भी लेना होता ना तो हम एटलीस्ट जाकर देखते ज़रूर हैं है क्या क्या नया नया आया हुआ है तो यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें भी थी कुछ समझ में भी नहीं आ रही थी कुछ अजीब खाली खाली सा लग रहा था आज मुझे इतना कोई फैंसी नहीं कर रहा था लेकिन ये जो कटलरी सेट है ना ये मुझे बच्चों के लिए इतना अच्छा लगा लिया तो नहीं मैंने लेकिन मुझे अच्छा लगा मैंने सोचा कि इन कभी नीड होगी तो इस तरह के ज़रूर लूँगी यहाँ पर स्पेशली मैं आई थी अमीलिया के स्लीप सूट्स और अमीलिया के लिए एक और चीज़ लेने के लिए ये जो बच्चे होते हैं ना ये देखते हैं आजकल तो आपको पता है कितना एड्स वगैरह ये सब कितने ज़्यादा होते हैं मार्केटिंग तो एक चीज़ की बहुत ज़्यादा की जाती है ना तो नई नई चीज़ें आती हैं तो ये मिनीवर्स आया है कुछ अर्से पहले तो ये अमीलिया को इतना ज़्यादा पसंद आया और होता क्या है एक चीज़ निकलती है जैसे कि एलोवेल डोल्स निकली थी तो उसके बाद बस वो एडिशन थोड़ा थोड़ा कर करके डिफरेंट डिफरेंट कर कर के वो निकलती रहती हैं चीज़ें निकलती रहती हैं तो आ, मैं तो बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं ना वो तो डेफ़िनेटली प्रेफर करती हूँ कि बच्चे करें लेकिन इतनी एक्सपेंसिव होता है ये सब कुछ कि मैं बस क्या बताऊँ आप लोग को पता होगा इतनी एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता है और ये जो मनीवर्स है ना ये मुझे खुद पर्सनली इतना क्यूट लगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अमीलिया ने ना मिनी वर्स का किचन भी लिया था तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि हम लोग गए थे तो अमीलिया ने किस तरह से वो किचन भी ले लिया था पहले तो मैंने सोचा अमीलिया ने काफ़ी पैसे खर्च कर दिए मैंने लेकिन जब मैंने देखा ना तो काफ़ी वर्थ था उसमें यू वी लाइट थी और ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से तो बस ये पैसे बनाने वाली बात भी होती है लेकिन खैर बच्चे इंजॉय करते हैं यहाँ पर मैंने अमीलिया के लिए टाइम्स टेबल का चार्ट भी ले लिया था क्योंकि उन लोग के रूम में ना मैंने अमीला के रूम में फोनिक्स का भी चार्ट लगाया हुआ है और टाइम टेबल्स का भी वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि आजकल बच्चों के रूम में बहुत बड़ा मिशन करना है मुझे तो बस घर आके मैंने आ, निहारी बनाई थी और निहारी के लिए इस बार मैंने बहुत जो है ना बड़ी बड़ी जो है ना लैम के चंक्स लिए थे तो यहाँ पर बस मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और इंशाल्लाह मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन अल्लाह हाफिज अच्छा एक और बात ये कि मेरा बहुत दिल रहा था वरना सोने से पहले मैं कभी कॉफ़ी नहीं पीती आज जो है ना बहुत अरसे के बाद मेरा दिल रहा था कॉफ़ी पीने का तो मैंने ग्रीन टी को स्किप कर दिया अपने हस्बैंड को चाय दे दिया और मैंने ले ली थी कॉफ़ी तो बस यहाँ मैं ब्लॉक कर रही हूँ ख़त्म टिल देन अल्लाह हाफ़िज